नमस्कार साथियों, सभी को राम राम, जय सियाराम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहाँ पर मैं अपन जो बात कर रहे थे लाभ और हानि, यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे। यहाँ पर मैं ये बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की अपन बातें कर रहे थे और कुछ बातें अपन देख चुके हैं, वहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर मैं ये बात करें तो ये क्वेश्चन आपको दिया था, उसी क्वेश्चन से बात को मैं एक क्वेश्चन लास्ट में मैंने आपके लिए छोड़ दिया था, उसी से बात को बढ़ा रहा हूँ। अब देखें यहाँ पर मीडिया लैंग्वेज को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है। वो बात कर रहा है 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक व्यक्ति 3 कलमों के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अभी तक वगैरह आपने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं वहां पर आपने क्या देखा था, इतनी वस्तुओं को बेचने की बात कर रहा है, सेम वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर ही लाभ या हानि हो रही थी। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए बेचने की बात कर रहा है मोमबत्ती को, और लाभ किसके बराबर हो रहा है, 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कुछ अलग वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। फिर आगे बात कर रहा है 10 कलमों को बेचने की बात कर रहा है, लाभ कितना हो रहा है, 4 मोमबत्तियों के बराबर हो रहा है। तो विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लाभ व हानि प्रति, ये लोग जो लाभ और हानि प्रतिशत हो रहा है उसका संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है। और मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के, मोमबत्ती का जो क्रय मूल्य है वो कलम के क्रय मूल्य का क्या है, आधा है। तो मोमबत्ती तथा कलम के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखें उसने क्या बोला है, मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का क्या है, आधा है। तो यहाँ पर मैं एक तो बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है, मोमबत्ती की बात कर रहा है, और एक बात कर रहा है किसकी, कलम की बात कर रहा है। उसने बोला है मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का आधा है। यदि कलम का क्रय मूल्य अपन ने कितना मान लिया, 2x मान लिया, कितना मान लिया, 2x मान लिया, तो यहाँ पर मोमबत्ती का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये बात करें सीपी की बात कर रहा है, यदि एक कलम का क्रय मूल्य 2x है तो एक मोमबत्ती का क्रय मूल्य कितना होगा, x होगा। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पर मैं ये बात कर रहा हूँ 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, और यहाँ पर विक्रय मूल्य भी नहीं दिया। अगर विक्रय मूल्य भी नहीं दिया तो मैं एक मोमबत्ती का एसपी मान लेता हूँ, एक मोमबत्ती का एसपी मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, और एक कलम का मैं विक्रय मूल्य कितना मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पर मैं ये बात करें तो देखिए बात आपकी क्या है, एक तो बात कर रहा है मोमबत्ती की और एक बात कर रहा है, यहाँ तक बात समझ आई या नहीं है। अब उसने बोला है कि 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक व्यक्ति 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या कमाता है, लाभ कमाता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर, इसकी बात करें लाभ प्रतिशत बराबर, कितना लाभ कमा रहा है, 3 कलमों के बराबर विक्रय मूल्य, 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर। और एक कलम का विक्रय मूल्य कितना है, बी है, तो 3 कलम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3B हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3B हो जाएगा। और यहाँ पर मैडियर अगर बात करें तो बात क्या है, एक मोमबत्ती का आपका सीपी कितना है, एक्स है, तो 10 मोमबत्ती का सीपी कितना हो जाएगा आपका, 10x हो जाएगा, इनटू कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। क्लियर, यहां तक मैडियर आपको बात समझ में आ गई होगी। ये तो हो गया मोमबत्ती का लाभ हो गया। अब बात करें यहाँ पर बात कर रहा है, उसने बोला आगे क्या बोल रहा है, 10 कलमों को बेचने पर हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत निकाल दें, और हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि अपॉन सीपी इनटू 100। अब बात कर रहा है देखिए, उसने बोला है 10 कलमों को बेचने पर उसे 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ पर हानि बराबर, एक मोमबत्ती का विक्रय मूल्य कितना, ए है, तो 4 मोमबत्तियों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 4A हो जाएगा। क्लियर, फिर बात कर रहा है सीपी, और किसको बेचने की बात कर रहा है, कलमों को, तो एक कलम का आपका सीपी कितना है, 2x है, तो 10 कलम का सीपी कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। एक का 10 है तो यहाँ पर मैडिया बात करें, एक का 2x है तो 10 का कितना होगा, 20x हो जाएगा, इनटू मैडिया क्या कर दें, 100 कर दें। अब उसने बोला ये जो लाभ और हानि प्रतिशत हो रहा है इनका संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है, इनका संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है, तो इनको मैडियर क्या कर दें, इक्वल टू कर दें, बराबर कर दें, और बराबर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3b इनटू कितना, 100 अपॉन मैडियर बात करें कितना होगा, 10x हो जाएगा। बरोबर मैडियर बात करें ये आपका कितना, 4a इनटू कितना, 100 अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैडियर बात करें तो ये आपका 20x हो जाएगा। बराबर का बोला तो बराबर मैडियर अपन ने रख दिया, और बात आपकी क्या कर रहा है, ये 100 से आपका 100 कट जाएगा,
यहाँ पर माय डियर 10x से ये आपका कितनी बार, दो बार, और इस दो से ये आपका चार कितनी बार, दो बार। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब यहाँ पर माय डियर बात करें इनका अनुपात निकाल लेते हैं। ये a है और a अपॉन आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3:2 आ जाएगा। उसने क्या बोला है, मोमबत्ती तथा कलम के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो मोमबत्ती तथा कलम का विक्रय मूल्य आपने क्या माना था, ए और बी माना था, और इनका अनुपात आपका क्या आ रहा है, 3:2 आ रहा है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बरोबर है। यहां तक माइडियर आपको बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात आपको पकड़ में आ रही है तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, बात को देखते जाए, बातों को माइडियर समझते जाए। चलो देखें अगले क्वेश्चन की माइडियर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, पढ़ेंगे आराम से, बात क्या कर रहा है, पढ़े पहले। यहां पर माइडियर बात कर रहा है 800 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने, ये लाभ कमाने के लिए है, 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लगाएं एक बार माइडियर, कोशिश करेंगे, एक बार कोशिश करें कि बात आपकी क्या बन रही है। उसने बोला है 800 रुपए पे बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। जो हानि हो रही है उसका कितना है, 20 गुना है। वो बात कर रहा 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। चलो देखें, अब देखो यहाँ पर माइडियर बात आपकी क्या करें, आंसर देने की आप कोशिश करेंगे। एक बार आप आंसर देने की माइडियर कोशिश करें कि आपका आंसर क्या आ रहा है। देखिए अब यहाँ पर माइडियर बात कर रहा है, उसने बोला है एक तो बेचने की बात कर रहा है, अगर 800 रुपए में बेचता हूं तो बात कर रहा है, और उसी वस्तु को 275 में बेचता हूं तो हानि का 20 गुना, हानि का कितना, 20 गुना होगा। बेचने पर हुई हानि का 20 गुना क्या होगा, उसे लाभ होगा। अब यहाँ पर माइडियर इसका सीपी कितना है वो मुझे पता नहीं है, मैंने मान लिया ये कोई वस्तु है और उसका कोई सीपी है। अगर इस वस्तु को मैं कितने में बेचता हूं, 800 रुपए में, तो मुझे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और इसी वस्तु को अगर मैं 275 रुपए में बेचता हूं तो मुझे क्या हो रही है, हानि हो रही है, मुझे क्या हो रही है, हानि हो रही है। लेकिन इसे 275 रुपए में बेचने पर जो हानि हो रही है उसका मुझे लाभ कितना हो रहा है, 20 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है, 20 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है, 20 गुना। अगर मुझे हानि 1x की हो रही है, कितने की हो रही है, 1x की, 1x की हानि होगी, तो इसका 20 गुना मुझे लाभ होगा। तो 800 रुपए में बेचूंगा तो मुझे कितना लाभ होगा, 20x होगा। यहां तक माय डियर बात को देखें, बात आपकी क्या है, बात समझ आई या नहीं आई, क्लियर है। अब देखिए यहां पर माय डियर बात करें तो कितने का लाभ हुआ, उसे 20x का लाभ हो गया। हानि कितने की हो रही है, उसे x की हो रही है। इधर बात क्लियर है। अब जब आपका लाभ होगा, जब लाभ होगा तो आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी। अगर मैं सेलिंग प्राइस में से लाभ घटा दूं तो क्या आ जाएगा, आपका सीपी आ जाएगा। तो जब लाभ हो रहा है तो सीपी बराबर, लाभ होगा तो सीपी बराबर क्या होगा, एसपी माइनस कितना आपका प्रॉफिट, यही होगा। और जब आपकी हानि होगी तो सीपी बराबर आपका क्या होगा, एसपी। सीपी ही बराबर आपका क्या होगा भाई, जब हानि होगी तो सीपी ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगी। तो यहां पर भाई सीपी बराबर आपका क्या हो जाएगा, प्लस आपका लॉस होगा। इतनी बात आ रही समझ में। तो यहां पर सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी। एसपी कितना है, कितने में बेच रहा है, 800 में, और कितने का लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट को घटा देंगे तो सीपी आ जाएगा कितना, 20x हो जाएगा। यहां पर अगर सीपी की मैं बात करूं तो सीपी आपका कितने में बेचने की बात कर रहा है, 275 में बेचने की बात कर रहा है, और कितने की हानि हो रही है, एक्स की हानि हो रही है। अब ये भी आपका सीपी है और ये भी आपका क्या है, सीपी है। तो दोनों को मैटीरियल क्या कर दें, इक्वल कर दें, दोनों को क्या कर दें, बराबर कर दें। और दोनों को मैटीरियल बराबर करेंगे तो यहां पर बात आपकी क्या आ जाएगी, 8x प्लस आपका कितना, माइनस कितना है, 20x। और ये मैटीरियल कितने के बराबर हो जाएगा, ये कितने के बराबर हो जाएगा, बात को देखेंगे। यहाँ इन ऑप्शन को थोड़ी देर अपन हटा देते हैं।
अब ये भाई ये बात करें तो बात आपकी क्या है, बातों को देखें, ये भी सीपीए और ये भी क्या है आपका सीपीए, दोनों बराबर हो जाएगा तो इसके बराबर भाई ये बात करें, इसके बराबर आपका कितना आ जाएगा 275 प्लस आपका कितना 100 हो जाएगा। यहां पर भाई ये x को उधर ले जाए तो आपका कितना हो जाएगा 21x, ये कितना हो जाएगा आपका 21, ये कितना है आपका यहां पर बात करें 8 है, ये कितना है 800 है। यहां पर भाई ये बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 21x हो जाएगा, और 21x 800 से अगर भाई ये 275 को घटाएंगे तो 800 से 275 को घटाएंगे कितना बचेगा आपका 525 बचेगा, 525 बचेगा। तो यहां पर मैं ये बात करें x = आपका कितना आ जाएगा, x बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहां पर मैं ये बात करें 21 को नीचे ले जाएं 525 को 21 से भाग देंगे तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 25 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25 आ गई। अब यहां पर भाई ये बात कर रहा 20% का लाभ कमाने के लिए, x बराबर 25 है, अब x बराबर अगर 25 है लाभ कब निकलेगा, लाभ कब निकलेगा यहां पर भाई मैं जब बात करूं मुझे सीपी पता हो, क्या होगा सीपी पता होगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं x बराबर अगर मैं यहां पर वैल्यू रख देता हूं, यहां पर x बराबर अगर वैल्यू रखेंगे तो यहां पर भाई ये बात करें 20 * कितना कर दें, 20 * कितना करेंगे 25 कर दें, 20 * भाई 25 करेंगे कितना आ रहा है आपका 25 आ रहा है, तो 20 * 25 अगर कर दें तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहां पर भाई ये बात करें 500, ये कितना हो गया 500 हो गया, कितना हो गया 500 हो गया। तो यहां पर भाई ये बात करें तो कितने का लाभ हो रहा है उसे 500 का लाभ हो रहा है, कितने में बेचने पर हो रहा है 800 में बेचने पर हो रहा है। तो यहां पर भाई ये बात करें यहां पर या तो वैल्यू रख दें तो यहां पर सीपी आपका कितना आ जाएगा 500 यहां पर रखेंगे तो सीपी आपका कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, सीपी कितना आ गया 300 आ गया, सीपी कितना आ गया 300 आ गया। अब बात करें 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, तो यहां पर भाई ये सीपी कितना है आपका, सीपी कितना है 300 है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 300 का क्या निकाल दें 20% निकाल दें तो 300 का आपका 20% कितना होगा। यहां पर भाई ये बात करें तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो यहां पर बात कर रहा है 300 का 20% लाभ पर कमाओगे और 300 का अगर 20% लाभ पर कमाओगे, लाभ पर जब भी कमाएंगे तो क्या होगा 100 प्लस होगा, तो यहां पर मैं ये बात करें कि आपका कितना हो जाएगा 120 बटा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहां पर बात करें इससे इसको काट दें, यहां पर मैं ये बात करें 3 तो यहां पर अगर ये आपकी बात कर रहा है कितना हो जाएगा, देखें इसका अगर 3660 रुपए में बेचना चाहिए, कितने में बेचना चाहिए 360 रुपए में, तब जाके उसे 20% का लाभ होगा। यहां तक बात को देखें बात को समझें, एक बार पूरी चीज को आप देख लें किस टाइप से बात आपकी चल रही है, क्या कहानी आपकी कर रहा है, यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताएं, देख लें। तो 20% लाभ पर कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा 360 रुपए में बेचना पड़ेगा। अगर इतनी बात आपको समझ आ गई तो देखो अब करना क्या है, ये नहीं करना, आपको करना क्या है अगर यहां पर मैं ये बात करें तो आपको करना क्या है बात को देखें बात को समझ, यहां पर भाई उसने बात आपसे क्या करी है बातों को समझने की कोशिश करना, बात को पकड़ने की कोशिश करना। कोई वस्तु है और उसका क्रय मूल्य मुझे पता नहीं है, अब उसे एक तो 275 रुपए में बेच रहा है तब क्या हो रही है हानि हो रही है, और उसी वस्तु को भाई 800 रुपए में बेचता है तो क्या होता है लाभ होता है, क्या होता है लाभ होता है। और यहां पर मैं ये बात कर रहा है बात आपकी क्या है किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है, चीजों को आप देखते जाएं, चीजों को भाई समझते जाएं, एक मिनट देखेंगे बात आपकी क्या कर रहा है, देखें हेलो मैं कोई वीडियो बना रहा हूं लोगों अब यहां पर मैं ये बात करें तो बात आपकी क्या है किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है चीजों को आप समझते जाएं। 800 रुपए में बेचता है उसे देखो कितना गुना, यहां पर गुने की मैं ये बात कर रहा है कितने गुना, ये जो जितनी हानि हो रही है उसका यहां पर मैं ये बात करें 20 गुना उसे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, 20 गुना क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। अब कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी मानना नहीं है, क्या करना है इन दोनों का अंतर ले लो, इन दोनों का अंतर लेंगे तो यह अंतर लेंगे तो 875 800 में से कितना घटा दे 275, 800 में से क्या घटा दे 275, 275 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 525, कितना हो गया 525 हो गया। यहां तक बात को देखिए कितना आ गया आपका 525 आ गया। अभी जो 525 है इन दोनों का अंतर आया,
इसको क्या कर दें अपन 20:1 में डिवाइड कर दें। किसमें डिवाइड कर दें? 20:1 में क्या कर दोगे? इसे डिवाइड कर दोगे। कितने में करोगे? 20:1 में डिवाइड करोगे। भाई टोटल यहां से यहां तक अंतर कितना है आपका माइडिया? बात करें 525 है और ये कितना है इसका? तो ये जो 525 आया है, इस 525 को आपको क्या करना है यहां पर माइडिया? बात करें 20:1 में क्या कर दें? डिवाइड कर दें। क्या कर देंगे? 20:1 में क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। तो यहां पर भाई ये बात करें कितने का लाभ होगा, कितने की हानि होगी, वो आ जाएगा। तो 525 को 20:1 में भाई ये डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा देखें। आपका बात करें 20 बराबर आपका कितना आएगा? 525 को डिवाइड करना है तो ये आपका कितना है? 525 है। अब इसको 20 वाला पार्ट निकालना है तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? 20+1 करेंगे 21 बराबर 525 है तो 20 बराबर आपका कितना होगा? इसको कितने से डिवाइड कर दें? 21 से। और कितने का मल्टीप्लाई कर दें? 20 का। इससे आ जाएगा यहाँ पर मैं ये बात करें तो 20 बराबर आपका कितना आ जाएगा? काटा कूटा करें अगर 21 से इसे काटेंगे, 21 से मैं अगर काटेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका यहाँ पर बात करें तो ये 25 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा आपका? 25 बार कट जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भाई बात करें कितना हो जाएगा? ये आपका कितना है? 500। कितना है? 500 है तो 20 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 500 आ जाएगा। यानी लाभ कितने का हो रहा है? 500 का हो रहा है। कितने का हो रहा है? 500 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है भाई? 500 का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर भाई बात करें उसका सीपी कितना हो जाएगा? यहाँ पर इसके बराबर आपका कितना आ गया? इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी? 500 आ गई। तो यहाँ पर भाई अगर सेलिंग प्राइस इसको घटाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? डायरेक्ट आपका 300 आ जाएगा। तो यहाँ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कि 20% लाभ पर बेचना है। अब 20% लाभ पर बेचोगे तो विक्रय मूल्य सीपी कितना आ गया आपका? 300 आ गया। अब 20% लाभ पर बेचने के लिए 100+ करेंगे, 300 × मटेरियल कर दे 20% लाभ पर बेचोगे तो 100+20 120 अपॉन कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। यहाँ पर मैं ये बात करें इससे इसको काट देंगे ये आपका कितना हो जाएगा? 360। तो यहाँ पर 20% लाभ पर बेचने के लिए आपको कितने में बेचना पड़ेगा? 360 में बेचना पड़ेगा। कितने में बेचना पड़ेगा? 360 में। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? सी आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है यहाँ तक? अगर बात आपको क्लियर है तो बात को आगे बढ़ाए। आगे मैं ये बात करें तो बात आपकी क्या है देखें पढ़े। आगे उसने आपका मटेरियल दिया हुआ है 717 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 527 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 11 से 1/9% ज्यादा है। तो 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखो यहाँ 100x नहीं मानना है, 717 में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है और 527 में बेचने पर क्या हो रही है? हानि हो रही है। अब जो हानि हो रही है उससे कितना हो रहा है ज्यादा लाभ? 11 से 1/9 ज्यादा लाभ हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है? ये कोई वस्तु है जिसका कोई सीपी है मुझे पता नहीं है, कोई वस्तु है जिसका सीपी है मुझे पता नहीं है, जब उसी वस्तु को 527 रुपए में बेचते हैं क्या होती है? हानि होती है। और जब उसी वस्तु को 717 रुपए में बेचते हैं तो क्या हो रहा है? लाभ होता है। क्या हो रहा है? लाभ होता है। और यहां पर क्या हो रही है? हानि हो रही है। यहां तक इतनी बात समझ आ गई? अब बात कर रहे हैं कितने की, कितनी ज्यादा होती है, कितनी ज्यादा होती है? यहां पर बात करें 11 से 1/9% ज्यादा होती है। अब यहाँ पर मैं ये बात करें अगर इसे मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो बात आपकी क्या रहेगी? बात 11 से 1/9 को आप फ्रैक्शन में चेंज कर दें, फ्रैक्शन वैल्यू इसकी आपकी कितनी आ जाएगी? 100 कर देना तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी इसकी? 1/9। यानी हानि अगर 9 है तो उसे लाभ कितना हो रहा है? यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है? 1 ज्यादा हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है? 1 ज्यादा हो रहा है, इतना गुना ज्यादा है। तो अगर हानि 9 की हो रही है तो लाभ कितना होगा? उसे 10 का होगा। लाभ कितने का होगा? 10 का होगा। तो यहाँ पर मैं ये बात करें ये अगर 9 है तो ये आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। या फिर यहाँ पर 1 मान ले, यहाँ पर 1 मानोगे तब भी बात वही है, बात को समझना। इसे अगर मैं लिखना चाहूं तो 99 कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर मैं ये बात करें 100/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100/9। तो यहाँ पर अगर 1 है तो 100/9 उसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100/9 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें 100/9 गुना हो जाएगा तो यहाँ पर तब भी आपका कितना आएगा? यही आएगी चीजें। क्या आएगी आपकी चीजें? यही आएगी। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो अगर हानि 9 हो रही है तो लाभ कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। इतनी बात आ गई। अब इन दोनों का अंतर ले लें, कितने 717
और बात करें किसका अंतर लेना है 527, यहां पर बात करें ये आपका जीरो है, ये आपका कितना 9 और ये कितना ये। अब इसको बांट दें 10:9 में बांट दें, 190 को कितने में बांट दें 10:9 में, और 10:9 में बांटेंगे तो 10 बराबर आपका कितना आ जाएगा 100 और 9 बराबर आपका कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। बात करना है तो 10 बराबर आपका 100 आ रहा है, तो यहां पर मैं ये बात करें उसका सीपी कितना आ जाएगा 717 में 100 ऐड कर देंगे, सीपी कितना आ जाएगा 817 आ जाएगा। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने की बात करा है, 10% लाभ पर बेचेगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, सीपी कितना है आपका 817, 10% लाभ पर बेचेगा तो 110 बटा कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। यहां पर बात करें जीरो से जीरो कट जाएगा, यहां पर मैं ये बात करें तो 11 × कितना करते हैं आपका 817, ये आपका कितना हो जाएगा 77। फिर बात करें कितना हो गया 77, 11 में अगर 7 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 18, 18 का कितना आ जाएगा 8, फिर 88 हो जाएगा, 88 में माइडियर 1 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। यही आ रहा है, कितना आ रहा है। यहाँ पर मैं ये बात करें वस्तु का विक्रय मूल्य कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए आपको क्या बात कर रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो बात को देखिए, बात को समझेंगे, बात आपकी क्या है इधर देखेंगे। यहाँ पर उसने बोला है, यहाँ पर मैं ये उसने लाभ कमा रहा है, लाभ कमा रहा है तो यहाँ 10 बराबर कितना आएगा 100 आएगा, लाभ कमा रहा है, क्या कमा रहा है लाभ कमा रहा है, लाभ कमा रहा है तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, सीपी कम होगा, तो 100 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 617। ये 617 क्या होगा सीपी होगा, 617 क्या होगा सीपी होगा, क्योंकि लाभ कमा रहा है, क्या कमा रहा है लाभ कमा रहा है, तो आपका एसपी ज्यादा होगा सीपी कम होगा, तो 100 को अगर एसपी में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा। अब बात करें उसने माइडियर बोला है 10% का लाभ कमाने के लिए, तो ये सीपी आ गया, 10% का लाभ कमाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर 617 × आपका कितना हो जाएगा लाभ कमा रहा है तो 110 बटा कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। यहाँ पर बैठे जीरो से जीरो कटा दे, अब मल्टीप्लाई कर दे, वहां पर अपन ने उल्टा कर दिया था, बात को समझेंगे, लाभ कमा रहा है तो सीपी ज्यादा होगा एसपी ज्यादा होगा, इसलिए आपको सीपी निकालने के लिए घटाना पड़ेगा, और आपने अपन ने क्या कर दिया था एड कर दिया था, बात को समझे। अब यहाँ पर मैडिया बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका 77, और ये बात करें 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा आपका 18 की कितना 8, 66 हो जाएगा, और 66 में मैडिया एक एड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 67, कितना आ गया बटा कितना है आपका 10 है, तो कितने में मैडियर आपका बेचना पड़ेगा 67, 8 और ये 7, इतने में आपको क्या करना पड़ेगा बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैडियर 10% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा 678.7 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक्स वेक्स नहीं मानना, क्या करना है इतने में बेचने पर लाभ हो रहा है इतने में बेचने पर हानि हो रही है, तो दोनों का क्या ले ले अंतर ले ले, कितना अंतर ले ले, कितना गुना हानि हो रही है कितना गुना लाभ हो रहा है, उस अनुपात में उसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर माय डियर इससे इजी वे में आपका आंसर आ जाएगा, मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो अगला बढ़ाए अगले पे लगाए दिमाग। यहाँ पर माय डियर बात क्या कर रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 10% लाभ कमाना चाहता है, उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना चाहिए, उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना चाहिए। अब यहाँ पर उसने बोला हुआ है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर यहाँ पर 10% लाभ कमाना चाहता है, तो उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना चाहिए, ये बोला हुआ है। अब यहाँ पर मैं ये बात करें तो बात क्या है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है, कितने प्रतिशत की 20% की, और 20% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करें कितना हो जाएगा 20 बटा कितना 100, यानी कितना हो जाएगा 1/5, 1/5 यानी आपके छूट दे रहा है, अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है, यानी ये तो हो जाएगी आपकी मार्क प्राइस, और ये क्या हो जाएगी छूट हो जाएगी बट्टा हो जाएगा। और बात करा 10% लाभ कमाना चाहता है, क्या कमाना चाहता है 10% लाभ कमाना चाहता है, और 10% का अगर लाभ कमाएगा तो यहाँ पर मैं ये बात करें 10% के फ्रैक्शन की बात करें तो कितना 10/100। अब लाभ कमाना चाहता है, लाभ किस पे कमाएगा सीपी पर, ये आपका क्या हो जाएगा सीपी, और ये आपका क्या है लाभ है, यही बोला है। अरे बोलो यहां तक बात समझ आ गई। अब देखो एक तो बात कराए
अब उसने बोला है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना चाहिए, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना चाहिए, देखो कितना अधिक रखना चाहिए। चलो देखें, अब यहां पर मैं बात करें अंकित मूल्य, एक तो सीपी दिया हुआ है, एक आपका एमपी और एक आपका क्या होता है एसपी होता है। यहां पर मैं बात करें एमपी आपका कितना है, मार्क प्राइस आपकी कितनी है पांच है, अगर मार्क प्राइस पांच है और एक की छूट दे रहा है, कितने की छूट दे रहा है एक की छूट दे रहा है, तो यहां पर मैं बात करें सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी आपकी चार, एक ही छूट दे रहा है, छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस आती है। फिर यहां पर बात कर रहा है कितने सीपी आपका कितना दिया हुआ है दस दिया हुआ है, और यहां पर मैडियर एक का लाभ कमा रहा है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, यानी ये कितना हो जाएगा आपका ग्यारह होगा। अब यहां पर समान वस्तुओं को बेचने की बात कर रहा है, यहां पर एसपी चार आ रहा है और यहां पर एसपी कितना आ रहा है ग्यारह आ रहा है, और ये एसपी आपका क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, एसपी क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, भाई एक ही वस्तु का एसपी है तो वो तो क्या होगा समान होगा, तो समान बना नहीं, यहां पर मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दें इसमें ग्यारह से, और यहां पर कितने से कर दें चार से, तो यहां भी 11 से करना पड़ेगा और यहां भी कितने से करना पड़ेगा 4 से करना पड़ेगा। यहां तक माय डियर बात आपको समझ आई या नहीं है, तो बात करें तो सीपी कितना हो जाएगा आपका 40 और मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी आपकी, यहां पर माय डियर बात करें 55 और यहां पर सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी आपकी 44 हो जाएगी। अब उसने बोला है कि बात करें उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना चाहिए, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना चाहिए, यही तो बोला है, तो यहां पर मैडियर कितना अधिक रखेगा, तो यहां पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा आ रहा है आपका 15 ज्यादा आ रहा है। अब कितने प्रतिशत की बात कर रहा है, तो यहां पर मैडियर बात करें कितना ज्यादा आ रहा है 15, किससे ज्यादा आ रहा है इससे ज्यादा आ रहा है, इनटू कितना कर देंगे 100 कर देंगे, प्रतिशत में निकालने के लिए ही करेंगे। तो यहां पर मैडियर इसे अगर सॉल्व करें तो बात आपकी क्या है, 5 से काट देंगे इसको कितनी बार 3 बार, और 5 से काटेंगे इस कितनी बार 8 बार। यहां पर मैडियर बात करें तो ये आपका इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखें इसको अगर काट दें तो कितना आ जाएगा, अगर 100 को 8 से काटेंगे 12.5, और 12.5 का मैडियर इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 37.5%, तो क्या जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, क्या जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। एक तो बात आपकी ये हुई, एक तो बात आपकी क्या हुई ये हुई। तो यहां पर मैडियर उसने बोला 20% की छूट दे रहा है, क्या दे रहा है 20% की छूट दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है, तो आपका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहां पर छूट किस पे दी जाती है मार्क प्राइस पर, तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी आपकी, यहां पर मैडियर बात करें एक की छूट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस आपकी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बराबर है यहां तक आगे बात समझ। अब देखो इसी को अपन एक चीज देखी थी स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में मैडियर आपने चीज देखी थी उसको देखें अगर वो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस छूट देने की बात करें और सेलिंग प्राइस की बात करें और मार्क प्राइस की बात करें, तो अपन ने यहां पर मैडियर बात करें एक चीज मैंने आपको बताई थी, एक आपकी बात करें कि जब भी प्रॉफिट कमाता है और छूट देता है, जब भी प्रॉफिट कमाता है छूट देता है, यहां पर मैडियर बात करें एक तो प्रॉफिट कमाने की बात करी थी, छूट देने की बात करी, छूट जो दी जाती है किस पे दी जाती है मार्क प्राइस पर, और मार्क प्राइस पर छूट देने के बाद आता क्या है सेलिंग प्राइस, तो मार्क प्राइस पर अगर छूट देते हैं तो आपकी सेलिंग प्राइस आती है, और सेलिंग प्राइस आपकी क्या आती है छूट किस पे दी जाती है मार्क प्राइस पर दी जाती है, और मार्क प्राइस पर छूट दोगे तो कितना हो जाएगा 100% माइनस कितने की छूट देता है डी की अपॉन माइडियर आपका कितना होता है ये होता है। ये चीज देखी थी, एक अपन ने बात करी थी प्रॉफिट कमाने की, प्रॉफिट कमाएंगे तो प्रॉफिट किस पे कमाएंगे सीपी पर कमाएंगे, और जब भी प्रॉफिट कमाते हैं किसी भी वस्तु पर प्रॉफिट कमाएंगे तो ये आपका क्या होता है 100% प्लस आपका 20% अपॉन कितना है आपका 100 है, ये बता चुके स्टार्टिंग में, ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों को बराबर कर दें, दोनों को बराबर माइडियर करेंगे तो यहां पर डायरेक्ट यू लिख दे 100 से ये आपका 100 कट जाएगा, मार्क प्राइस बराबर आपने क्या देखा था मार्क प्राइस बराबर आपका यहां पर 100% माइनस आपका डी प्रतिशत, बराबर माइडियर बात करेंगे तो क्या होगा सीपी इंटू 100% प्लस आपका पी प्रतिशत होगा, ये होगा। इतनी बात आ गई, अब मैं एमपी और सीपी का अगर अनुपात निकालना चाहूं, एमपी और सीपी का मैडियर अनुपात में अगर निकालना चाहूं ये मार्क प्राइस हो जाएगी, और यहां पर बात करें तो ये आपका सीपी हो जाएगा, दोनों का अगर मैं अनुपात निकालूंगा तो यहां पर मैडियर बात करें सीपी नीचे पहुंच गया, ये आपका क्या है 100+, और यहां पर मैडियर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा 100% माइनस डी प्रतिशत,
तो MP बराबर ये आया और CP बराबर ये आया, ये बात आपको दिख गई सभी को। MP बराबर क्या आ रहा है आपका 100% प्लस, जब भी आपका लाभ कमाने की बात करें, डिस्काउंट देने की बात करें, मार्केट प्राइस की बात करें और कॉस्ट प्राइस की बात करें, तो रिलेशन MP बराबर क्या आ रहा है आपका 100% प्लस आपका P प्रतिशत और कॉस्ट प्राइस बराबर आपका क्या आ रहा है 100% माइनस D प्रतिशत। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो इसका यूज कैसे लेना है, बात को देखे, इतना अपन ने निकाल के आपको बता दिया पर पहले भी अपन ये चीज देख चुके हैं, पहले भी अपन मैटीरियल चीज देख चुके हैं, तो बात आपकी क्या है, किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है, बातों को समझे। यहाँ पर मैटीरियल बात को देखे, बात आपकी क्या है देखे। अब उसने बोला हुआ क्या है, यहाँ पर बात को देखे, बात को गौर करेंगे, चीजों को समझने की मैटीरियल कोशिश करेंगे। एक तो बात करा है एमपी, एक तो बात करा है किसकी बात करा है आपकी एमपी की बात करा है, मार्केट प्राइस की बात करा है, एक मैटीरियल आपकी किसकी बात करा है सीपी की बात करा है। मार्केट प्राइस की जो वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 100% प्लस आपका क्या आ रहा है पी प्रतिशत, और आपकी सीपी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है 100% माइनस आपका डिस्काउंट कितने का दे रहा है, यही आ रहा है। अरे बोलू यही आ रहा है। अब देखो एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है भाई 20% की छूट दे रहा है, कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है 20% की छूट दे रहा है, 20% की छूट देगा तो सीपी आपका कितना हो जाएगा 20 माइनस 100 माइनस 20 करेंगे कितना हो जाएगा 80%, और 10% का लाभ कमा रहा है तो एमपी कितना हो जाएगा आपका 110%, ये अनुपात आएगा नहीं आएगा। यहाँ पर भाई बात करें कितना प्रतिशत, ये जीरो से क्या कर दे जीरो उठा दे, यहाँ पर 11 है तो ये आपका कितना आ गया 11 अनुपात कितना आ गया 8 आ गया। उसने बात करा है करे अंकित मूल्य करे मूल्य से कितना अधिक रखना चाहिए, कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पर भाई बात करें कितने का है 3 का अंतर है, तो यहाँ पर करे मूल्य आपका बात करें जो है अंकित मूल्य करे मूल्य से कितना ज्यादा है 3 है, कितने पे ज्यादा है 3 है, तो कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए, तो यहाँ पर भाई बात करें तो डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा 3/8 इंटू कितना आपका 100, और इससे मैटीरियल प्रतिशत निकालोगे तो यहां भी बात आपका कितना हो जाएगा 300/ कितना 8, इसे मैटीरियल अगर डिवाइड करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा आपका 24, बचा कितना है यहां पर मैटीरियल बात करें तो 6/60 हो जाएगा, तो 60 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे 8/7 कितना 56, यहां पर मैं ये बात करें तो कितना बचा हुआ है आपका 37 या आपका 1/2%, इतना आएगा नहीं आएगा। यहां पर मैं ये बात करें तब भी आंसर आपका क्या आ रहा है सी आ रहा है, तब भी आंसर कितना आ रहा है सी आ रहा है। अगर ये रिलेशन आपको पता है तो इतनी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है, जब भी प्रॉफिट होता है मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 100+ P%, जब भी डिस्काउंट देंगे आपका मैटीरियल बात करें सीपी कितना होगा 100 माइनस D% जितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अगर ये रिलेशन आपको याद है तो इससे भी डायरेक्ट अपन चीजों को कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर। अब देखो अगले में लगाए अगला क्या दे रहा है, अगली वाली बात करें तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है बात को समझेंगे। यदि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 30% का लाभ कमाता है, कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है 30% का लाभ कमा रहा है, तो ज्ञात कीजिए अंकित मूल्य करे मूल्य से कितना अधिक है, अंकित मूल्य करे मूल्य से कितना अधिक है, तो अंकित मूल्य करे मूल्य से कितना अधिक है। अब बातों को देखिए, अगर डायरेक्ट आप करना चाहो, उसने बोला है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो अपन जानते हैं यहाँ पर भाई ये बात करें सीपी और एसपी, इसमें एमपी में अपन रिलेशन जानते हैं, सीपी बराबर आपका क्या होगा 100 और एमपी बराबर भाई ये बात करें तो एमपी बराबर आपका क्या होगा 100+P%। अब देखो कितने की छूट दे रहा है 10 की छूट दे रहा है, तो सीपी आपका कितना हो जाएगा 90%, और बात कर रहा है छूट देकर 30% का लाभ कमा रहा है तो आपका कितना हो जाएगा 130%, प्रतिशत से आपका प्रतिशत जीरो से आपका क्या हो जाएगा जीरो, कितने का अंतर आ रहा है, कितना है आपका एमपी कितना ज्यादा है, एमपी आपका कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो करे मूल्य से कितना, तो अंकित मूल्य करे मूल्य से कितना अधिक रखना चाहिए 4 अधिक रखना चाहिए, प्रतिशत की बात करें तो कितना आ जाएगा, प्रतिशत की बात करें तो कितना 4/ सीपी ज्यादा है, सीपी से ज्यादा है तो कितना सीपी बराबर 9 इंटू क्या कर देंगे आपका ये कर देंगे। यहाँ पर मैं ये बात करें तो 4/9 इंटू 100 ये आपका कितना आ जाएगा 44/9 कितना आ जाएगा 44/9% आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा।
तो ये अगर रिलेशन आपको पता है तो चीजें आपकी क्या बन रही है, डायरेक्ट ही बन जाएगी। क्या है? डायरेक्ट ही बन जाएगी। अगर ये छोटा सा रिलेशन अगर आपको पता है, इतनी बात आपको समझ आई या नहीं आई, यहां तक बैठे चीजों को देखें, बात को समझें। अगला उसने आपको दिया हुआ है, अगला आपको क्या दिया है, बात को देखें। अगला ये दिया है, जैसे देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है उसने, माय डियर बात कर रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर क्या दे रहा है, छूट दे रहा है तथा 30% का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ 90 रुपए है। उसका लाभ कितना है? 90 रुपए। तो छूट की राशि क्या रखी है, यानी उसे जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, 90 रुपए का हो रहा है। कितने का हो रहा है? 90 रुपए का हो रहा है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो उसकी लाभ की राशि ज्ञात कीजिए। क्लियर है? अब यहाँ पर जो लाभ हो रहा है, यहाँ पर उसने इधर तो छूट अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है और यहाँ पर 20-30% का लाभ कमाता है। यदि उसका लाभ 90 रुपए है तो छूट की राशि क्या कीजिए। अब उसी में जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 90 रुपए का हो रहा है। कितने का हो रहा है? 90 रुपए का। तो यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस की भी क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, सेलिंग प्राइस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कितने का लाभ हो रहा है, जो भी लाभ होगा वो किस पर होगा, सीपीई पर होगा, और जो भी लाभ होने के बाद आपका क्या आएगा, एसपी आएगा। तो वहां जो भी पहले क्वेश्चन किए थे वहां तो डायरेक्ट आपका एसपी एमपी और मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन दिया था। तो जब भी यहां पर इस टाइप की अगर बात करें तो एक तो बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है, यहां पर 20-30% की छूट दे रहा है। कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है? यहां पर मैं बात करें 25% की आपकी क्या दे रहा है, 25% का आपका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/4 छूट दे रहा है। इस पे देता है मार्केट प्राइस पर, ये कितना हो जाएगी एमपी, और ये आपकी क्या हो जाएगी, डिस्काउंट हो जाएगा। फिर बात करें लाभ कमाता है, कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है, 30% का लाभ कमा रहा है, और 30% का मैडियर लाभ कमाएगा, कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है, 30% का लाभ कमा रहा है, और 30% का मैडियर लाभ कमा रहा है, 30% का फ्रैक्शन आपका कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, लाभ कमाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, और ये बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखो तीनों में रिलेशन देख लें, किस किस में, सीपी और यहाँ पर मैडियर बात करें एसपी और क्या है एमपी। पहले वाले की बात करें छूट दे रहा है, अगर आपका एमपी कितना है, 4 है, तो डिस्काउंट देने के बाद, डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है आपका, सेलिंग प्राइस आता है। ये डिस्काउंट 1 का दे रहा है, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 3 होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर बात कर रहा है वो सीपी अगर 10 है, सीपी बराबर कितना है आपका, 10 है, लाभ कमा रहा है, और लाभ कमा रहा है कितने का कमा रहा है, 3 का कमा रहा है, तो सेलिंग प्राइस आएगी लाभ कमाने में, 3 ऐड कर देते कितना हो जाएगा, 13। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस 3 है और यहाँ पर कितना है आपका, 13 है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं क्या, एक ही वस्तु का सेलिंग प्राइस तो क्या होगा, सेम होगा, तो इसे सेम बना ले। और सेम बनाने के लिए भाई आपको करना क्या है, बात को समझे, यहाँ पर बात आपकी क्या, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दे, 13 का, और इसमें भी कितने का करना पड़ेगा, 13 का, नीचे कितने का करें, 3 का, और यहाँ भी कितने का करना पड़ेगा, 3 का। ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैडियर बात करें 30 हो जाएगा, और ये सेलिंग प्राइस कितने की हो जाएगी, 9 हो जाएगी, और यहाँ पर मैडियर बात करें ये आपका कितना हो जाएगा, 52। उसने मैडियर बात करी है लाभ कितना हो रहा है, 90 रुपए का, और यहाँ पर देखो लाभ कितना हो रहा है आपका, 9 रुपए का। तो यहाँ पर मैडियर बात करें 9 बराबर कितना दिया है आपका, 90 दिया है, तो 1 बराबर मैडियर आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसने बात करें छूट की राशि ज्ञात कीजिए, छूट की राशि ज्ञात कीजिए, यहाँ पर मैडियर बात करें छूट कितने की दे रहा है, इन दोनों का अंतर है वही छूट है, तो यहाँ पर मैडियर बात करें कितने की छूट दे रहा है, 13 रुपए की छूट दे रहा है। अगर 1 बराबर 10 है तो 13 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 13 बराबर कितना हो जाएगा, 13 × कितना, 10, यानी कितने की छूट दे रहा है, 130 रुपए की छूट दे रहा है। कितने की छूट दे रहा है, 130 रुपए की मैडियर छूट दे रहा है। इतनी बात आपको समझ आई या नहीं आई, इतनी बातें मैडियर आपको समझ में आई होगी मेरे ख्याल से, चीजें आप देख रहे होंगे, चीजों को मैडियर समझ रहे होंगे, यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इतनी बात मैडियर समझ में आ गई तो देखिए बात को आगे बढ़ाएं, बात को समझेंगे, बातों को देखते जाओ किस टाइप से बात आपकी कर रहा है, चीजों को देखें, चीजों को समझेंगे, किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है। तो देखें अगले में लगाएंगे दिमाग, बात क्या है, देखो
अग्नि में ये बात करना है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने पर उसे 20% का लाभ प्राप्त हो सके। यदि वस्तु का क्रय मूल्य दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया, क्रय मूल्य 1400 रुपए है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो इसको दोनों ही प्रोसेस से अपन देखते हैं। देखिए यहाँ पर मटेरियल बात आपकी क्या कर रहा है, उसने आपका क्या बोला है, एक वस्तु को अंकित मूल्य करता है, यदि अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है, कितने प्रतिशत की दे रहा है, 12.5% की दे रहा है, और 12.5% का जो आपका फ्रैक्शन होता है ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं ये बात करें 12 × 2 करेंगे 24 में प्लस 1 करेंगे 25/2 को फिर 100 से भाग देंगे तो आपका फ्रैक्शन आपका कितना आ जाएगा 1/8। छूट दे रहा है तो ये तो क्या होगा, आपका मार्क प्राइस होगा, और कितने की छूट दे रहा है, ये छूट डिस्काउंट हो जाएगा। और बात करें 20% का लाभ कमा रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है, 20% का लाभ की अगर बात करें तो फ्रैक्शन आपका कितना होगा 1/5, तो ये आपका क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका पी हो जाएगा। क्लियर। अब देखो तीनों में मैं रिलेशन बना लेते हैं, तीनों में क्या बना ले, रिलेशन बना दे सीपी, और ये आपका क्या है एसपी, और ये क्या है आपका एमपी। फिर बात करें अगर मार्क प्राइस 8 है, मार्क प्राइस 8 है, कितनी है 8 है, डिस्काउंट कितने का दे रहा है 1 का, और डिस्काउंट देने के बाद क्या आती है सेलिंग प्राइस आती है, अगर 1 का डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत। अगर सीपी आपका 5 है, सीपी आपका क्या है 5 है, 1 रुपए का लाभ कमा रहा है तो आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, सीपी अगर 5 और 1 रुपए का लाभ कमा रहा है तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 6। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस को सेम बना ले, सेम बनाने के लिए भाई आपको करना क्या है, यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 का, और यहाँ पर कितने का 7 का, यहाँ भी कितने का 6 का, और यहाँ भी कितने का करना पड़ेगा 7 का। यहाँ पर मैडिया बात करें सीपी आपका कितना आ जाएगा 35, यहाँ पर बात करें तो एसपी कितना आ जाएगा आपका 42, और यहाँ पर मैडिया बात करें तो ये कितना आ जाएगा आपका 48। ये आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब उसने बोला यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ रहा है आपका 35 आ रहा है, और क्रय मूल्य बराबर कितना दिया है 1400 दिया है, तो 35 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 35 बराबर कितना हो जाएगा 1400, तो 1 बराबर कितना आएगा, ये आएगा कितना आएगा, ये आएगा काटा कुटा मटेरियल कर देंगे तो ये यहाँ पर बात करें 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 7 से काट दो 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, फिर काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1 बराबर ये आ जाएगा। अंकित मूल्य कितना है आपका 48 है, 1 बराबर अगर 40 है तो यहाँ पर मटेरियल बात करें 48 बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ पर मैं ये बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये 0, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1926 रुपए। तो अंकित मूल्य से कितना रखना चाहिए 1926 रुपए रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए 1926 रुपए रखना चाहिए। यहां तक बात को भाई देखें, यहां तक बातों को आप समझें, यहां तक बात आपको समझ आई या नहीं आई, यहां तक चीजों को आप देखते जाए किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है। यहां तक मैं अगर आपको बात समझ आ गई, उसने देखो यहां पर आपका दिया हुआ क्या है क्रय मूल्य दिया है, और निकालना क्या है अंकित मूल्य निकालना है, और जब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात करें तो अपने अभी रिलेशन देखा था, क्या देखा था बात को देखे, अगर उससे अपन करना चाहें, अगर उससे मैं अपन करना चाहें, देखो यहां पर उसने दिया हुआ क्या है, क्रय मूल्य आपका दिया है और अंकित मूल्य पूछा है, और क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अपन यहां पर मैं बात करें सीपी, सीपी बराबर अपन जानते हैं यहाँ पर जब लाभ होता है तो 100% प्लस क्या हो जाएगा 20%, और यहाँ पर मैं ये बात करें एमपी की बात करें, किसकी बात करें एमपी की बात करें तो ये क्या होता है डिस्काउंट दिया जाता है तो 100 − 20% होता है। क्लियर। यहाँ पर मैं ये बात करें इस प्रकार बेचता है कि 25% 12.5% की छूट दे रहा है, कितने की दे रहा है 12.5% की, और 12.5% की अगर छूट देगा तो यहाँ पर मैं आपकी बात करें उल्टा लिख दिया गया एमपी बराबर, ये आपका क्या आएगा एमपी बराबर, तो आपका ये आएगा यहां पर बात करें तो पी, और यहां पर मैं ये बात करें तो क्या आ जाएगा ये रिलेशन देखा था अपन ने, ये रिलेशन माय डियर अपन ने देखा था, ये रिलेशन आपने क्या किया था देखा था, तो यहां पर 100 कितने की छूट दे रहा है, यहां पर 100% माइनस 12.5 ये कर दें, और यहां पर मैं ये बात करें तो ये 100 प्लस कितने का लाभ हो रहा है 20%।
अब इसे घटा दो या डायरेक्ट फ्रैक्शन में चेंज कर दो, इसे घटा दो या डायरेक्ट फ्रैक्शन में चेंज कर दो। फ्रैक्शन में अगर चेंज करोगे तो इसको 100 को अगर फ्रैक्शन में चेंज करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। 12.5 को अगर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो अभी अपन ने देखा था कितना है, 1/8 है। यहां पर बात करें तो इसका फ्रैक्शन 1 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। इससे मैं ये बात करें सिंपलीफाई करें तो ये 7/ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इधर भाई ये बात करें 6, ये 5/5 और ये 6/ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर। तो यहां पर भाई ये बात करें इसे इधर कर दे और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अनुपात आपका सीपी और एमपी का भाई ये अनुपात निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 35। और इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भाई ये बात करें तो ये कितना आ जाएगा आपका, 48। कितनी बात आ गई समझ में। उसने 35 बराबर, उसने सीपी बराबर आपका कितना दिया है, वहां भी तो यही आ रहा था सीपी बराबर कितना दिया है, 1400। तो सीपी बराबर आपका कितना है, 1400, यानी 35 बराबर आपका कितना है, 1400 दिया है। और 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यहां पर माय डियर 48, एमपी पूछा 48 बराबर कितना आ जाएगा, 40 * कितना, 48। और 40 * 48 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1926 रुपए। तो उसका अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए, उसे इतना रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। किसी भी प्रकार से मैं ये बात करें, दोनों ही प्रकार से बातें आप बना सकते हो, दोनों ही प्रकार से बातें बना सकते हो। ये जो रिलेशन है, ये वाला रिलेशन आपका माइंडर दिया हुआ है, ये रिलेशन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े काम की बातें, बड़े काम की क्या है, बातें। इसका आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इतनी बातें माइंडर आपको समझ आई होगी। यहां तक बातों को देखते जाए, बातों को समझते जाए, किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है। इसके आगे की कहानी माय डियर अपन फिर देखेंगे, चीजों को देखते जाए, समझते जाए, धीरे धीरे चीजों को अपन बढ़ाएंगे। इसके आगे की कहानी अपन फिर देखेंगे, तब तक के लिए आप चीजों को पढ़ते रहें, ध्यान रखें, मस्त रहें, बिंदास रहें। थैंक यू, धन्यवाद।